हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमस एकेडमी। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। फ्रेंड्स, यह लेक्चर डिफेंस टेक्नोलॉजी सीरीज का सेकंड पार्ट है और पहले पार्ट में हमने देखा था टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो सिलेबस में मुख्यतः दो चीज दी रहती है, टाइप्स ऑफ मिसाइल, और ये जो टाइप्स ऑफ मिसाइल है ये होनी चाहिए विथ रेफरेंस टू इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको एक बार इसमें ब्रीफ में बता देता हूं और साथ साथ आपका रिवाइज भी करवा देता हूं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में देखा कि किस किस तरह की मिसाइल होती हैं और उन मिसाइल्स को हम लोग किस किस भाग में बांट सकते हैं। अगर देखें टाइप के हिसाब से तो हमने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल देखी, लॉन्च मोड के हिसाब से हमने सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सी एयर, ये सब डिवीजन हमने देखा। रेंज के हिसाब से हमने देखा कि SRBM, MRBM, IRBM और ICBM, ये टाइप हमने देखे। प्रोपल्शन के हिसाब से हमने देखे। तो जब ये एक बार हम ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं इंडियाज डिफेंस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफली हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे टीपू सुल्तान ने 1792 में किस तरह रॉकेट्स बनाए थे, उनका यूज किया था, और उसके बाद इंडिया कॉलोनाइजेशन के कारण पीछे हट गया। और अभी 1983 में IGM-DP, इसके थ्रू हमने एक बार फिर से मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो शुरू किया है। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, 1983 से पहले इंडिया ने दो प्रोग्राम चलाए थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलियंट। ये दोनों जो प्रोग्राम थे ये मिसाइल डेवलपमेंट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये प्रोग्राम अपनी मंजिल नहीं पा सके। तब 1983 में हमने इन दोनों प्रोग्राम्स को बंद किया और डॉक्टर APJ कलाम, इनके लीडरशिप में हमने ये प्रोग्राम जो है ये शुरू किया। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इसके अंदर DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इन सब ने मिलकर यह प्रोग्राम स्टार्ट किया। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या क्या रहा। देखिए, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडली अगर ये प्रोग्राम देखें तो इस प्रोग्राम में जो भी इंडियन की जो पॉपुलर मिसाइल्स थी, जैसे पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, त्रिशूल हो गई, आकाश हो गई, नाग, ये सब मिसाइल बनाने की योजना इस प्रोग्राम में बनाई गई थी। ये जो सारी मिसाइल हैं, ये मिसाइल रेंज वाइज डिवाइड करी गई थी, शॉर्ट रेंज, इंटरमीडिएट रेंज या लो लेवल सरफेस मिसाइल या मीडियम रेंज, इस तरह की रेंज वाइज ये बनाई गई थी। क्योंकि आप अगर इंडिया की ज्योग्राफी देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम यहां पर एक जगह इंडिया का मैप बनाएं वो देखें कि यहां पर पाकिस्तान है, इधर चाइना है और यहां पर बांग्लादेश है, तो ये जो तीनों अपने नेबर हैं ये इंडिया के हॉस्टाइल नेबर हैं। तो इंडिया को डिफेंस में सेल्फ रिलायंट होने के लिए ये सब रेंज की मिसाइल होनी चाहिए। क्योंकि अगर अब फॉर एग्जांपल हम देखें कि अपने पास ये जो मीडियम रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल जो ब्लास्टिक मिसाइल है ये नहीं होंगी तो हम लोग चाइना पर अटैक नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल नहीं होंगी तो हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इन सब लाइट्स, ये सब जो फैक्ट्स हैं, इन सब फैक्ट्स के अंदर ये प्रोग्राम डेवलप किया गया। अब इस प्रोग्राम में ये देखिए, एक टेस्ट रेंज भी डेवलप करी गई जो बालासोर उड़ीसा में है। जनरली आपको ये सब पॉइंट तो बता दिए जाते हैं लेकिन ये पॉइंट नहीं बताया जाता है। और एक पॉइंट ये भी छूट जाता है कि इसमें एक एंटी टैंक मिसाइल, जिसको नाग मिसाइल भी कहा जाता है हिंदी में, जो नाग होता है ये नाग मिसाइल भी इसको कहा जाता है, ये भी इसमें डेवलप करी गई थी। अब हम एक एक करके ये मिसाइल्स देखते हैं कि इनका क्या बैकग्राउंड रहा, इनका अभी क्या यूजेस है। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी मिसाइल देखते हैं। पृथ्वी मिसाइल देखिए, ये फोटो देखिए और इसको अपने दिमाग में बिठाने का कोशिश करिए। देखिए, जब तक आप इन मिसाइल्स की रेगुलरली फोटो नहीं देखेंगे तो आपको ये मिसाइल याद नहीं होंगी, तो इसलिए फोटो जो है वो बार बार देखते रहिए। ये जो वीडियो है इसको बार बार रोकिए और बार बार रिवाइज करिए,
तभी ये सारी जो मिसाइल हैं ये आपको याद रहेंगी और एग्जाम में तुरंत याद आएंगी। पृथ्वी मिसाइल, ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल के तरह बनाई गई थी। सरफेस टू सरफेस, जैसे आपको पता होगा कि इसको लैंड से छोड़ा जाएगा, यानी यहां से लैंड से लॉन्च किया जाएगा और अटैक जो होगा वो भी लैंड पर ही होगा। ये सबसे पहले बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था। तो इसके तहत तीन तरह की मिसाइल हमने अभी तक डेवलप करी है। सबसे पहले पृथ्वी वन, देन पृथ्वी टू और देन पृथ्वी थ्री। जो पृथ्वी टू है इसकी रेंज 350 थी, और जो पृथ्वी थर्ड है इसकी रेंज मोर देन 350 थी, और जो पृथ्वी फर्स्ट है इसकी रेंज 150 किलोमीटर रखी गई। देखिए ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी, तो ये जो मिसाइल थी ये सिर्फ लैंड टू लैंड हमने नाम दिया, लेकिन बाद में हम देखेंगे दूसरे प्रोग्राम्स में इसी पृथ्वी मिसाइल को जो नेवल वर्जन है, यानी जो मिसाइल शिप से लॉन्च करी जानी है, यानी वाटर में अगर कोई शिप है वहां से अगर हमें यही मिसाइल लॉन्च करनी है तो उसको हमने धनुष नाम दे दिया। ये हमने इसलिए दे दिया, देखिए फ्रेंड्स अगर कोई भी मिसाइल हमको अगर दूसरे लॉन्च मोड से लॉन्च करनी है तो उसको हमें टेक्नोलॉजिकली डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अगर वो लैंड पर है तो अगर कोई भी चीज लैंड पर है तो हम लोग आराम से कोई भी टेक्नोलॉजी उसमें यूज कर सकते हैं, हमारे पास जगह की कमी नहीं है। लेकिन अगर वही हमें शिप से लॉन्च करनी है तो हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि जगह नहीं होती, यानी जो शिप है उसकी साइज लिमिटेड होती है, आप जितनी मर्जी चाहे उतना जगह वहां पर नहीं ले सकते, इसीलिए हमको ये धनुष जो वेरिएंट है ये बनाना पड़ा। अब अगला हम देखते हैं अग्नि मिसाइल। देखिए फ्रेंड्स जो अग्नि मिसाइल थी ये सबसे पहले जब ये प्रोग्राम 1983 में जो शुरू किया गया था उस टाइम जो अग्नि मिसाइल है वो एक री एंट्री व्हीकल के तरह बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसको जो कॉन्टिनेंटल ब्लास्ट मिसाइल तक हम लोग लेके आ गए हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये दो टर्म जान लेते हैं, MIRV और MARV। इनको जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्रिक्वेंटली जो ये दोनों टर्म है ये अग्नि मिसाइल के साथ काम में ली जाती हैं। अभी हम लोग देखिए अग्नि फर्स्ट, अग्नि टू, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ, अग्नि फिफ्थ यहां तक पहुंच चुके हैं, और सब्सिक्वेंटली इनकी जो रेंज है वो भी बढ़ती हुई जा रही है। पहले जो 700 से 1200 किलोमीटर तक थी वो अब 5000 से 8000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो MIRV टर्म है इसका क्या मतलब है। देखिए एग्जाम में MIRV टर्म जो है इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो MIRV है उसका फुल फॉर्म बताइए, तब आपको ये जो फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ये आपको लिख के आना है। अभी हम इसको देखते हैं डिटेल में कि ये होता क्या है। ये देखिए ये जो फोटो है ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और अब इसके टर्म पे ध्यान दीजिए। देखिए मल्टीपल यानी खूब सारे, इंडिपेंडेंटली यानी खूब सारे हमें टारगेट जो है वो इंडिपेंडेंटली लेने हैं, और री एंट्री यानी अब री एंट्री से हम समझ सकते हैं कि कहीं एंटर हो रहा होगा फिर वापस बाहर निकल रहा होगा, तो ये री एंट्री कहां होती है, ये देखिए ये होती है एटमॉस्फेयर से बाहर। अगर आप पिछले वाले लेक्चर में देखेंगे तो हमने बैलिस्टिक मिसाइल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपको बताया था। तो अब जो ट्रेजेक्ट्री है इसमें अगर जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाएगी तो ये जो मिसाइल है अगर हम इस ट्रेजेक्ट्री से फेंकेंगे तो एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी। जब ये एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है तो जैसा कि आपको पता होगा एटमॉस्फेयर से बाहर टेम्परेचर जो है वो काफी हाई रहता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, और साथ साथ वहां पर क्या होता है जो एरोडायनेमिक्स होता है ये एरोडायनेमिक्स भी है चेंज हो जाता है। इसलिए अगर हमें कोई व्हीकल री एंटर करवाना है तो उसमें हमें इन दो तीन बातों का ध्यान जो है रखना पड़ेगा। अब सेम टाइम में मल्टीपल टारगेट होने चाहिए, यानी हमने अगर एक मिसाइल भेजी है तो वो एक ही मिसाइल कई टारगेट हमें कर लेनी चाहिए। जैसे हमें एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान का, मान लीजिए हमने पाकिस्तान पे एक मिसाइल छोड़ी और मुझे कराची भी उड़ाना है, बलूचिस्तान में भी एक पार्ट उसका जाना चाहिए, और साथ ही साथ जैसे मान लेते हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी एक अटैक हमको करना है, तो ये जो एक साथ जैसे हमें तीन अटैक करने हैं तो ये कैसे करेंगे, वो हम करेंगे MIRV के थ्रू, यानी एक ही मिसाइल में। ये देखिए यहां पे आप देख रहे हैं ये मल्टीपल वॉरहेड है, ये खूब सारे हथियार हैं। अगर हम इसको लॉन्च करेंगे यहां से तो आफ्टर ए पीरियड
जो हम लोग पहले से प्री डिसाइड कर देंगे। तो ये एक एक वॉरहेड जो है, इंडिपेंडेंट जो वॉरहेड है, वो अपना अलग टारगेट पे जाएगा। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये जो वॉरहेड है ये अलग अलग टारगेट के ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है MIRV। देखिए यहां पे री एंट्री भी हो गई, मल्टीपल जो टारगेट हैं जो कि इंडिपेंडेंट है वो भी हमने टारगेट कर लिए हैं। तो एक बार इसमें फिर से आप दोनों में अंतर भी देख लीजिए। जो अपनी नॉर्मल मिसाइल है उसमें सिर्फ एक ही वॉरहेड होता है, जबकि मल्टीपल में खूब सारे वॉरहेड होते हैं। ये तो हो गया मल्टीपल। जो री एंट्री है, नॉर्मल जो मिसाइल अगर माने तो उसको एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये जो मिसाइल है री एंट्री वाली, ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है फिर वापस अंदर आती है। इसके लिए हमें स्पेशल मटेरियल चाहिए, उसी स्पेशल मटेरियल से हम लोग टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे और उसी स्पेशल मटेरियल से हम लोग एरोडायनेमिक जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगला हम जो कॉन्सेप्ट है वो है मैन्युरेबल री एंट्री व्हीकल। मैन्युरेबल देखिए, मैन्युरेबल यानी हमने जो मिसाइल छोड़ी, जो देखिए दूसरे पाथ पे जानी थी, जैसा कि हमने एग्जाम्पल पहले भी लिया था, दोबारा लेते हैं। हमने मिसाइल छोड़नी है कराची पे, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि नहीं, हमें कराची से नहीं, कराची से 50 किलोमीटर दूर कोई दूसरा पार्ट है, हमें वहां मिसाइल छोड़नी है। तो अगर हमने ये एक बार लॉन्च कर दिया, जैसे ये हमने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया, जैसे कि हमने पहले देखा था कि बैलिस्टिक मिसाइल का आफ्टर ए रेंज, आफ्टर ए पार्ट हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी इसमें ऐसा सिस्टम बना दें कि टारगेट से पहले भी ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल किया जा सके। हमें कराची भेजना था, हमने यहां पे टारगेट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कंट्रोल करी और इसको जो नया टारगेट है वहां पे भेज दिया। जो मिसाइल ऐसा कर सकती है उसको हम MARV कहते हैं, यानी ये मिसाइल मैन्युरेबल होती है, री एंट्री करती है और इसी को MARV कहा जाता है। तो हमारी जो अग्नि मिसाइल है, हमारी अग्नि मिसाइल ये दोनों काम कर सकती है। ये जो सारी मिसाइल है ये दोनों काम कर सकती है, इसीलिए अग्नि जो मिसाइल है ये दुनिया की एक जानी मानी मिसाइल मानी जाती है और इंडिया की ये सबसे हाईफाई अगर मिसाइल बोले तो उनमें से ये एक है। अगला हम लेते हैं त्रिशूल मिसाइल। देखिए त्रिशूल जो मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी लैंड पे या सरफेस पे हम इसको लॉन्च करेंगे और एयर में अगर हमारा कोई एनिमी ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है उसको अटैक करने के लिए त्रिशूल मिसाइल हम बनाते हैं। इसकी रेंज होती है 9 किलोमीटर और ये सुपरसोनिक स्पीड से जाती है। अगर आपको नहीं मालूम है सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाइए, वहां हमने डिटेल में समझाया है कि सुपरसोनिक, सबसोनिक और हाइपरसोनिक ये स्पीड क्या होती है। और ये यहाँ पे इसकी फोटो आप एक बार जरूर ध्यान से याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में फोटो देख के ही हम सवाल का आंसर कर सकते हैं। अगली जो मिसाइल डेवलप की गई वो थी नाग मिसाइल। जैसा कि आप हमने पहले भी देखा था, ये जो नाग मिसाइल है ये किसके लिए बनाई गई थी, नाग मिसाइल बनाई गई थी एंटी टैंक मिसाइल की तरह। अब जब एंटी टैंक मिसाइल है तो इसकी रेंज हजारों किलोमीटर तो होगी नहीं, इसकी रेंज थी 3 to 7 किलोमीटर, यानी अगर कोई भी टैंक दुश्मन का हमें दिखे तो उस पर हम नाग मिसाइल जो है वो छोड़ देंगे। ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मतलब ये जो मिसाइल है इसको आप किसी टारगेट पे लॉक कर दीजिए। अगर एक बार आपने ये मिसाइल टारगेट पे लॉक कर दी, उसके बाद अगर टारगेट मूव होता है तो भी ये मिसाइल उस टारगेट को नष्ट कर देगी। तो इसी तरह की ये मिसाइल है नाग मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। ये मिसाइल जो है वो कई तरह की लॉन्च मोड से की जा सकती है। आप इसको हेलीकॉप्टर से छोड़ सकते हैं, आप इसे अगर कोई और इक्विपमेंट है वहां से आप छोड़ सकते हैं। एक स्पेशल इक्विपमेंट भी इसके लिए बनाया गया है जिसको कहा गया है नामिका। इसका फुल फॉर्म है नाग मिसाइल कैरियर। ये जो फुल फॉर्म है नामिका की, ये भी एग्जाम में आ सकती है। आप ये जो फोटो है ये ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जब अगर आए तो आप इसको सीधा सही कर सकें। अगली जो फॉर्म है वो है आकाश मिसाइल। ये जो आकाश मिसाइल है, जैसा कि आप ये देखिए फोटो में आप देख रहे हैं, ये आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो है 25 किलोमीटर। आप पहले की जो मिसाइल देखेंगे वहां उसकी बजाय इसकी रेंज ज्यादा है और ये एक साथ जो है मल्टीपल एयरक्राफ्ट, कहा जाता है कि ये 5 एयरक्राफ्ट को एक साथ साइमल्टेनियसली अटैक कर सकती है। तो अगर
हम ये माने कि हमारी सीमा में पाकिस्तान ने अगर 5 एक साथ हवाई जहाज भेज दिए हैं, अपने फाइटर प्लेन भेज दिए हैं और हमने वहां पे अगर आकाश मिसाइल सिस्टम लगा रखा है तो हम उन पे एक साथ अटैक कर सकेंगे। ये था हमारा पूरा IGMDP यानी गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको आप 2-3 तरीके से याद कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। इसको आप याद कर सकते हैं पटना से, आप इसको याद कर सकते हैं पाटन से, ये जिनका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इससे आप इसको निमोनिक से आप इसको याद रखिए, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश, ये इसको याद करने का तरीका हो गया। अब इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा भी हमारे पास काफी मिसाइल हैं, उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। आपने इसके बारे में बहुत न्यूज में सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया और रशिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और ये जो नाम लिया गया है ये इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कवा जो रिवर है, इन दोनों रिवर से ये नाम बनाया गया है। ये वर्ल्ड की बोला जाता है सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इंडिया जो है इसको काफी मार्केटिंग भी कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके ऊपर इंडिया में रिसेंटली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इंडिया और रशिया इसको मिला के एक साथ मिलके इंडिया में ही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके अराउंड 2000 मिसाइल बनाने का प्रोग्राम है और इनमें से 2000 में से मोर देन जो 50% मिसाइल है वो भारत और रशिया के जो फ्रेंड्स हैं यानी जो मित्र देश हैं उनको ये मिसाइल बेची जाएगी। अब यहां पर देखिए आप भारत का कद यहां पर कितना बढ़ जाएगा अगर हम इतने फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल अगर दुनिया के देशों में बेचेंगे तो इंडिया की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी, इसकी जो रेंज है ये 290 किलोमीटर है, इसकी रेंज 290 किलोमीटर है, लेकिन अभी जो ब्रह्मोस सेकंड जो आ रही है उसकी रेंज, ब्रह्मोस सेकंड की जो रेंज है वो 290 से भी ज्यादा है। इसका एक कारण है, उसका कारण है MTCR। जैसा कि आपको पता होगा इंडिया पहले MTCR का पार्ट नहीं था लेकिन अभी जो है वो MTCR का पार्ट हो गया है। ये जो MTCR है ये इंडिया ने जब अपना गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में जब शुरू किया था तो उस टाइम जो बाकी जो कनाडा ये सब जो देश हैं वेस्टर्न कंट्रीज, इन लोगों ने बनाया था ताकि इंडिया अपनी मिसाइल डेवलप ना कर सके, लेकिन इंडिया ने डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में ये सारी मिसाइल डेवलप करी और आज ये दिन आ गया है कि इंडिया ने खुद MTCR ज्वाइन कर लिया है। इस MTCR से पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि कोई भी कंट्री 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल दूसरे देश को नहीं बेच सकता, इसीलिए इंडिया और जो रशिया थे वो ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं कर पा रहे थे। अब जब इंडिया MTCR का पार्ट बन गया है तो इसकी रेंज जो है 300 किलोमीटर से ज्यादा कर दी गई है, तो ये MTCR का बहुत बड़ा फायदा रहा। अगली मिसाइल हम देखते हैं निर्भय मिसाइल। ये मिसाइल एक सबसोनिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है। देखिए निर्भय मिसाइल में कुछ और ज्यादा एग्जामिनर के पास पूछने के लिए है नहीं, सिर्फ यही दो पॉइंट है, इसको आप ब्रीफली याद कर लीजिए और बार बार वीडियो को रिपीट करते हुए ये जो फोटो है इनके थ्रू इसको याद करने का कोशिश करिए। नेक्स्ट मिसाइल जो है वो है सागरिका। जैसे इसका नाम बताता है सागरिका यानी सागर, तो ये जो मिसाइल है ये सागर से लॉन्च होती है, यानी किससे लॉन्च होती है, सागर में क्या होती है, सबमरीन, तो ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 750 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और अभी जो रिसेंटली इंडिया का जो अरिहंत क्लास सबमरीन है उसमें ये मिसाइल इंटीग्रेट करी गई है, यानी अब जो अरिहंत क्लास सबमरीन है वो 750 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड भी हम डाल सकते हैं, कन्वेंशनल वॉरहेड भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। अगली मिसाइल है शौर्य मिसाइल। ये देखिए ये जो मिसाइल है ये K-15 जो सागरिका थी उसी का एक वेरिएंट है और ये भी सबमरीन कैपेबल है। इसमें याद रखने के लिए ज्यादा नहीं है, सिर्फ आप इसकी रेंज याद रखिए और सबमरीन कैपेबल है कि नहीं, बस यही आप इसमें ज्यादा याद रखिए और बाकी याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है। अगला मिसाइल है धनुष मिसाइल। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था ये नेवल वर्जन है, पृथ्वी 2 का नेवल वर्जन है ये और इसकी रेंज है 350 किलोमीटर जितनी पृथ्वी 2 की भी है। ये देखिए दिखने में भी ये ऐसा ही लग रहा है, बस आप अब इस फोटो को पहले वाली पृथ्वी 2 की फोटो से आप कंपेयर करिए तो आप देखेंगे कि इसमें ये लॉन्चिंग मेथड का जो है ये अंतर है। आप एक बार जरूर डिटेल में जाके देखिए, आपको अंतर इसमें पता लगेगा। नेक्स्ट मिसाइल है अपनी अस्त्र मिसाइल।
ये जो मिसाइल है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी इस मिसाइल से आप वहां भी अटैक कर सकते हैं जहां हमें दिखाई नहीं देता है। ये देखिए हमने ये फोटो इसीलिए लगाई है ताकि आप देखें कि ये देखिए ये एक फाइटर, ये एक फाइटर प्लेन है और ये फाइटर प्लेन ने ये अस्त्र मिसाइल छोड़ी है। तो जहां ये फाइटर प्लेन उड़ रहा है वहां से 80 किलोमीटर तक ये मिसाइल जाके अटैक कर सकती है। इससे जो ये फाइटर प्लेन है इनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है वो इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये मिसाइल डीआरडीओ के थ्रू डेवलप करी गई थी। अगली जो इंडिया की मिसाइल है वो है प्रहार मिसाइल। देखिए जो प्रहार मिसाइल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और रेंज जो है वो 150 किलोमीटर इसके अराउंड रेंज है। ये जो मिसाइल है अगर आप देखें तो इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इंडिया को कि प्रहार मिसाइल डेवलप करें? जरूरत यह पड़ गई कि ये जो पिनाका अपना जो रॉकेट है लॉन्चर है, देखिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, रॉकेट जो होता है वो डंप होता है और जो गाइडेड मिसाइल जो होती है उसको हम एम दे सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें एक मिसाइल डेवलप करनी थी, तो वो जो मिसाइल है वो हमने प्रहार मिसाइल डेवलप करी, इसलिए इंडिया को प्रहार मिसाइल डेवलप करने की जरूरत पड़ गई है। अब इसके साथ हमने इंडिया के जो भी गाइडेड प्रोग्राम थे, जो भी इंपॉर्टेंट और रिसेंटली हुए हुए जो प्रोग्राम है वो हमने सारे देख लिए हैं। यहां पर ये जो सारे प्रोग्राम है इनका एक ब्रीफ में फोटो है, आप एक बार ये देखिए, वीडियो रोकिए और ये जो फोटो है इसका ध्यान से देखिए। हमने यहां से ताकि आपको याद हो जाए ये फोटो में डायग्राम से बताया है और इसमें कलर भी दिए हुए हैं ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा। यहां पर प्रहार है, यहां पर ब्रह्मोस है, यहां पर पृथ्वी मिसाइल है, यहां पर अग्नि है, उसके बाद निर्भय है, उसके बाद अग्नि 2 है, फिर अग्नि 3, फिर अग्नि 4 और फिर अग्नि 5। इसी तरह इनकी रेंजेस भी हमने यहां पर दी हुई है, ये सिर्फ माइंड मैप के लिए है। ये सारी मिसाइल जो अभी हमने पढ़ी ये सारी मिसाइल का एक शॉर्ट में लिखा है ताकि आप ये रटने में आसानी रहेगी। कई एक बार होता है कि एग्जाम में हमको रटना पड़ता है, तो ये रेंज वाइज दिया हुआ है, यानी बढ़ती हुई रेंज 150 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक का ये है। तो बढ़ती हुई रेंज में आप इसको वीडियो रोक के याद करिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, देखते रहिए अदर टॉपिक्स के लिए ऑप्टिमस अकेडमी चैनल। थैंक यू वेरी मच।